लैपटॉप की बैटरी परसेंटेज एक्यूरेट है या नहीं, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन दिखा रहा हूँ, जहाँ पर 100% चार्जिंग दिखा रहा है, और जब भी मैं इसमें खोल दे रहा हूँ तो 99 हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि शायद मेरा बैटरी ख़राब है या नहीं, क्या हो रहा है। तो उसके लिए आपको बैटरी एक्यूरेट कितना चार्ज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये जानना ज़रूरी है। उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा खोलिए, और उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक कमांड कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। इंटर करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इनेबल ट्रेसिंग फॉर 60 सेकेंड ऑब्जर्विंग सिस्टम बिहेवियर। चलो 60 सेकेंड वेट कर जाते हैं। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ जो बेल का जो नोटिफिकेशन है वो दबा दीजिए। मैं ऐसी वीडियो हर हफ्ते डालने वाला हूँ, तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थोड़ा देर वेट कर जाइए। चलिए आगे, अब हम लोग सी ड्राइव में जाएंगे, उसके बाद जहाँ पर मैंने एनर्जी रिपोर्ट सेव किया था वहाँ पर ये आखिर में देखिए 10:07 है, 10:07 को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो नीचे जाइए, नीचे जाइए, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, चलिए आपको यहाँ पर मिल गया। दिख रहा है कि कैसा दिखा रहा है, 41,440 है चार्ज, लास्ट फुल चार्ज 39,501 है, लेकिन अभी भी यहाँ पर 98%। तो ये एक्यूरेट नहीं है। मैं दूसरे मेरे दोस्त का भी लैपटॉप चेक किया तो उसके वहाँ पर 100% दिखा रहा है, जहाँ पर उसके 41 में से सिर्फ 30 ही हो रहा है। ये मेरे पहले एनर्जी रिपोर्ट का, जहाँ पर मेरा ये प्रॉब्लम पहले भी था, तो ये थोड़ी दो तीन दिन पहले किया था मैंने। उसके बाद मैंने लैपटॉप को थोड़ा कैलिब्रेट किया, फिर आपको एनर्जी रिपोर्ट मैंने दिखाया। एक सेकंड, थोड़ा गलती हो गया। ये मेरे 2-3 दिन पहले का था, ठीक है, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसके बाद भी आप दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, मैं वो बाद में दिखाऊंगा आपको कैसे पूरा बैटरी रिपोर्ट आपको मिलता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं 1:08 को दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस बार सिर्फ आपको यहाँ पर CMD को जस्ट ओपन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से खोल सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक दे दू, दू, दूसरा ये कमांड दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके लिख सकते हैं। मुझे याद है इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ।
देख सकते हैं कि मैंने पावर कॉन्फिगर दैट पावर CFG थोड़ा स्पेस देके बैटरी रिपोर्ट मैंने लिखा, उसके बाद एंटर प्रेस किया तो बैटरी लाइफ रिपोर्ट सेव दिखा रहा है कहाँ पर सेव हुआ है। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर सेव हुआ है। ये मेरा बैटरी का पूरा डिटेल्स है। अब नीचे देख सकते हैं कि मैंने कब कब टाइम पे बैटरी चार्ज किया था। ये मेरे बैटरी का पूरा रिपोर्ट है। मैं ये बात बता दूं कि ये ट्रिक सिर्फ ये चीज़, जैसे कि मैंने लास्ट को यूज़ किया तो ये सिर्फ आप विंडोज़ 10 या 8 में ही देख सकते हैं, दूसरे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक 7 में शायद नहीं देख सकते हैं, मुझे ठीक तरह से पता नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले ट्रिक दिखाया वो आप देख सकते हैं कहीं पर भी, 7 हो, XP हो, किसी पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा पहले कैपेसिटी जो पहला चार्ज हुआ था फुल चार्ज तो इतना हुआ था, फिर घटता गया घटता गया। एक सर्टन टाइम के बाद मैंने दोबारा उसको कैलिब्रेट करना चालू किया तो बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अभी तक ठीक ठाक जा रहा है। तो आप कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं मैंने आपको दिखाया। बैटरी को कैलिब्रेट करना चाहिए एक महीने के अंदर दो से तीन बार आपको कैलिब्रेट करना चाहिए। कैलिब्रेट कैसे होता है कि पहले 0% पे पूरा लैपटॉप को 0% या फिर 5% के नीचे लेके जाइए, फिर दोबारा चार्ज कीजिए एकदम 100% के ऊपर तक। अगर 100% हो जाने के बाद 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए, सिर्फ महीने के 2 और 3 बार ही, बार बार नहीं। तो बार बार करने से आपकी बैटरी के ऊपर ओवर फुल चार्ज का लोड पड़ सकता है, तो बार बार काम भी नहीं होगा। तो ऐसे छोड़ छोड़ के टाइम छोड़ छोड़ के कीजिए। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।